तो फरमाया, लेकिन आकाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अकदस दे वे जिस वक्त हजूर दी बारगाह दे वेच उयो सरदार उयो कुरैश दे लोग उयो तकबर और गरूर दे नाल भरे होए जिन्हां दी बहादुरी दा शुजात दा किथे किथे जिक्र सी, जिस वक्त वह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अकदस दे वेच आए ते हजूर ने जिस वक्त उन्होंने उस नूर दे नाल मुनवर फरमाया अपनी नज़र दे नाल, ते फिर उन्हों का नतीजा की निकलिया कि सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला ने उहदी बारगाह दे खलो के सैयदना उमर फारूक आखदे ने सैयदना बिलाल कि तुसी साडे सरदार जी तुसी साडे हाँ फरमादे निजामी तेरी राह गुजर में जाना मैं वो खाके राह गुजर हूँ, तेरी राह गुजर में जाना मैं वो खाके राह गुजर हूँ, तेरे हर खिराम पर जो तेरे नक्शे पा बड़ी। तो फरमाते ने कि मुहब्बत दी राह दे वेच अल्लाह दी जात पाक दे मुहब्बत दे सफ़र दे वेच ईमान दे सफ़र दे वेच तेरी राह गुजर में जाना, आखे जिथों मेरा महबूब तू गुजरना है ना तेरी राह, ओ तेरे राह गुजर दी मैं वो मिट्टी हाँ, तेरे हर खिराम पर तेरा नक्शे पा बनी है, जिथे जिथे तेरा कदम लग गया है इस मिट्टी ने उस नक्श नु कबूल कर लिया है। जिस वक्त हजूर ने सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बारगाह दे विच कबूल किया है, सैयदना सलमान फारसी नु कबूल किया है, तो ये राह गुजरे जाना दी जिहड़ी खाक है उस दे वास्ते की है, फरमाया तेरी हर अदा दे उत्तों मिट चुके है, हर अदा दे उत्ते ओ मिट चुके हैं। तो आरफ रूह फरमाते ने ऐ खुना का मर्द कद खुद रफ्ता शुद्ध के मुबारकबाद का मुस्तहक के वो इंसान जड़ा खुद ही दे कोलों निकल गया, किसते कोलों निकल गया खुद ही दे कोलों निकल गया, दर वजूदे जिंदा पै वस्ता शुद्ध फरमाते ने किसे जिंदा दे वजूद दे नाल वस्ता हो गया, ऐ सोबत है ए सोबत की तरफ इशारा है। तो फरमा देने के हज़ार किस्म दा तकबर और गुरूर जिस इंसान दे विच मौजूद सी, जिस वक्त तक ये वो जिंदा दे नाल ऐस जिंदा तो कौन मुराद है कि जिस दा दिल अल्लाह दी जात पाक ते मुहब्बत दे नूर नाल मुनव्वर हो चुका है, उस दे विच खुद ही बाकी नहीं रह गई, उस दे विच अल्लाह दी जात पाक दी मुहब्बत ने उसनू आजिज़ तो आजिज़तर कर दिता है, और हम खुदा दी मखलूक नूं वो फिर खुदा दे खालक दे तरफों होके वेखदा है कि खालक नाल इन्नी मुहब्बत और इन्ना दिल दा करम ते कुरब हासिल हो गया है कि खुदा दी जात पाक दे मखलूक इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, वो हशरातुल अर्द तो भी पनाह मांगते ने भी इन्हां दे भी साडे कोल गुस्ताखी ना हो जाए, अपने दिल की कैफियत है, अपने दिल की कैफियत है ये कोई। तो फरमाया कि दर वजूदे जिंदा पै वस्ता शुद्ध जिना कुरान पाक दे चे दिन सिरातल मुस्तकीमा सिरात अल्लाह जीना अन अमता इलाए हिम आया है ना, वो ए ओ ना दर रहा है जिन्ना ते अल्लाह पाक ने इनाम व इकराम फरमाया है वो जिंदा है, वो कि ने वो जिंदा है। इकबाल फरमा दे ने मगज़े कुरान रूह ईबा जाने दी, मगज़े कुरान रूह ईमा जाने दी के कुरान पाक दी तालीम दा ए मगज़ है, मगज़े कुरान रूह ईमा और ईमान दी ये रूह है, जाने दी ते दीन दी ये जान है, अगर दीनदार बनना ही तो दीन दी जान ते कुरान पाक दा मगज ते ईमान दा रूह की है। हस्त हुब्बे रहमतुल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ी मुहब्बत है ए तेरे तालीम कुरान पाक तफसीर पढ़न दा मगज है और ईमान दी जान है और दीन दी भी की है ए जान है, ईमान दा रूह है और दीन दी की है जान है। हस्त हुब्बे रहमतुल आलमीन मजमून समझ ना आवे
ते कुरान पाक दी आयत करीमा ते गौर किया करो। अल्लाह पाक ने फरमाया इन कुन तुम तो हिबून अल्लाह फत्ता बे ऊनी यो बेबकुम अल्लाह। दावा कितों ने कि असी अल्लाह दे मुहिबा अल्लाह दे जन्नत साढ़े वास्ते बनी है। अल्लाह पाक ने फरमाया मुहब्बत का दावा, मुहब्बत का दावा, मेरी मुहब्बत का दावा और महबूब तेरी इतबा तो बगैर। इतबा आते ने मगर मगर आनू की आते ने मगर मगर टुरन। मौला रूह फरमा दे ने या उमती आखना छड़ दे ते या फिर नबूव आख मैं उमती नहीं आएगा। मैं उमती जे उमती है कलमा गो है ते फिर तू पीछे पीछे आना है। तू अगे वास्ते बढ़िया ही नहीं, तू पीछे वास्ते बढ़िया। तो आपकी जबान नू सोच के ख्याल करके अल्फाज नू हजूर दी जात दे मुतलक सोचना चाहिदा है, गौर करना चाहिदा है। तो फरमाया कुल इन कुन तुम तो हिबून अल्लाह फत्ता बे ऊनी यो बेबकुम अल्लाह। महबूब ए आखते ने सी अल्लाह दे मुहिबा। फरमाया कि तुसी अपनी जबान चो फरमाओ कि अल्लाह दी मुहब्बत दा दावा उस वक्त तक कामयाब नहीं, कबूल नहीं जिस वक्त तक तुसी मेरे पीछे ना आओगे। फत्ता बे ऊनी मेरे मगर मगर आओगे। यो बेबकुम अल्लाह अगर तुसी इतबाए खास करोगे हजूर नू दिलो जान दे नाल तुसी तस्लीम करोगे कि जो इस जबान दे विचों निकलिया उयो ही बरहक है और उसे उत्ते ही अमल है और हजूर दी हर अदा दे उत्ते इतराज़ दी बजाय उसनू सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। अगर ये तुहाडी रवैया दिल ते रूह दा हो गया तो महबूब ने फरमाया हकीकी ने फिर यो बिबकुमुल्ला तुसी मेरी मुहब्बत का दावा ना करो, मैं तुहानू खुद महबूब बना लवां। तो इस वास्ते अहले दिल ने फरमाया कि मगज़े कुरान रूह ईमां जाने दी हस्त हुबे रहमत लिल आलमी। ए हजूर दी मुहब्बत ए कुरान दी तालीम दा मगज़ है, ईमान दा ए रूह है, दीन दी ए जान है। कीश है हस्त हुबे रहमत लिल आलमीन। और फिर जिंदे नाल मुहब्बत होवे उनकी हर अदा दे उत्ते बंदा कुर्बान होंदा है, उसकी हर अदा दे उत्ते जहे नसीब है जिस दे नसीब करे चा। मेरे हजूर दे साहबा अहले बैत हजूर दे उशाक दा तुसी अमल मनाकब दी किताबा जे फड़ो तो फिर इंसान दा दिल ते रूह दे उत्ते वजद तारी हो जांदा है। की तारी हो जांदा है? वजद तारी हो जांदा है कि किस मुहब्बत दे नाल उन्हां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरफान आया, उन्हां दी पहचान आई। तो मालूम की होया कि ईमान हयात है। बंदा जिंदा हकीकी किंदे नाल हुंदा है? ईमान दे नाल। तो ईमान की है हयात है और किफ कुफर और शिरक और निफाक की है मौत है। तो जिसनू हयात ईमान नसीब हो चुकी उसनू सब कुछ हासिल हो गया, उसनू सब कुछ हासिल। जी वाया जिंदा के बाबुरदा निशी के बा मुर्दा नशिस्त। फरमाया कि अफसोस है उस जिंदा दे उत्ते जेड़ा मुर्दे दा हम नशी बनया। कुरान पाक च भी मना किया कि जिथे अल्लाह दी जात पाक दा याद दा गिला हुंदा। तो फरमाया अफसोस है उस जिंदा दे उत्ते कि वो जाके मुर्दा दा हम नशीन हो गया। किंदा हम नशीन हो गया? मुर्दा दा।
इस शेर ते भी गौर फरमाओ। जनाब फरमा देने के मोमिन होवे की होवे, मोमिन होवे, ईमान उस नसीब होवे ते बैठक कौन दी उस बंदे दे नाल होवे जेड़ा दीन दा मजाक उड़ावे। दीन दा की होवे, होवे मोमिन जिथे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेअदबी होवे उत्थे जाके बैठा होवे, उत्थे जाके हर गल जिहड़ी है वो दीन दे शार दा जिथे मजाक उड़ाया जांदा पिया होवे ओ चीज़ उहनूं पसंद होवे। तो आर फिर उह फरमांदे ने अफसोस है उस जिंदा दे उत्ते, उस मोमिन दे उत्ते जिन्हें अपनी बैठक उहदे नाल बनाई है जिंदा दिल हयात ईमान दे नाल जिंदा नहीं होया। मुर्दा गश्त व जिंदगी अजवै बजस्त, आखे इहदा एक असर निकलेगा। की निकलेगा? आखे ऐसा ऐसा जिस वक्त सुनता रहेगा तेरे गल तेरे दिल दे उत्ते ते रूह दे उत्ते आखे उसके असरात इवें मुरतब होंगे कि गैरत ईमानी चली जाएगी और उस दे विच मुर्दापन आ जाए। उस दे विच की आ जाएगा? ए देखो कुरान पाक दे, कुरान पाक दी आयत करीमा सुनो। अल्लाह पाक ने शरत फरमाया उज़ुबिल्लाह मिनश शैतान रजीम वक़द नज़ला अलैकुम फिल किताबे अन इज़ा समितुम आयातिल्लाह युकफरु बिहा व युस्ताज़ु बिहा फला तक़ुदु माहुम हत्ता युखूदु फी हदीसिन गैरे ही। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तकीर तहकीक उतारे अल्लाह ताला ने तुहाडे दे उत्ते ये हुक्म किताब दे विच। अल्लाह पाक ने अपनी किताब दे विच ये हुक्म तुहाडे उत्ते उतारिया कि जो तुसी सुनो अल्लाह दीआं आयतां दा इनकार कीता जांदा पिया है। अल्लाह पाक दीआं आयतां दा इनकार कीता जांदा पिया है और उन्हां दा मजाक उड़ाया जांदा पिया है। फला तक़ुदु माहुम तो फिर जिथे ये गल हुंदी पई होवे कुफर दी मजाक दी इस्तेहजा दी ठठे दी फरमाया कि तुसी उत्थे ना बैठो, तुसी उत्थे तुहानू मना कीता गया कि मत बैठो उहनां दे नाल। हत्ता युखूद फी हदीसन गैरे ही इत्थों तक कि मशगूल हो जान ओ किसी होर दूसरी गल दे विच कि काम भी साजे ना ते जिस वेले वेखो कि अगों आ कुछ पिया हुंदा है ते उहनां दे विच बवो ना, आ जाओ गुरेज कर जाओ। जिस वेले उस आपदी ओ गुस्ताखी नूं बंद कर देन ते फिर जाके आपदी मतलब या गल उहनां नाल कर लो। फरमाया इन्ना कुम इज़म मिसलो हूँ अगर तुसी उस इस्तेज़ा दे विच उस गुफ्तगू गुस्ताखी दे विच जाके बैठो ते फिर तुसी भी उन्ना तरह दी हो जाओगे। फिर तुसी की जे उन्ना तरह दी गुरेज करो, की करो गुरेज करो। इंदा अकल दे नाल नहीं ताल्लुक, इंदा मुहब्बत दे नाल ताल्लुक। जिवें किसे प्यो दा गिला हुंदा पिया होवे ते पुत्तर नूं पता लग जावे भी मेरे प्यो दा गिला पा करदे ने उनकी गैरत है तभी कबूल करेगी भी मैं जाके बवा उत्थे। अगर फिर भी बवेगा तो उनके च गैरत मुहब्बत बाप दी समझते बंदा गुरेज करता है करे ता दी है। तो ईमान तो बड़ी कीमती शाय वे, बहुत कीमती शाय वे, बहुत कीमती शाय वे। इस वास्ते हमेशा ख्याल करो कि जिथे अल्लाह दी जात पाक दी आयात करीमा दा हजूर दी गुस्ताखी दा जिक्र हुंदा पिया होवे मत उत्ते बैठो, उत्थों गुरेज कर जाओ। उन्हां दी सोबत दे नाल की होवेगा तुहाडे दिल दी नूरानियत जिहड़ी है स्याही च बदल जाएगी। किंदे च बदल जाएगी? स्याही दे विच बदल जाएगी जी। ये तमहीद सी जिहड़ी आई हुण कुरान पाक दे मुतल्लक मौला रूम फरमान लगे ने ते गौर दे नाल सुनिया जे जी। चूं तो दर Yeah.
बगुरे खती कुरान हक बगुरेख थी फरमाते ने जदो तू सच्चे कुरान दे पनाह दे विच आ गया है तो बारवाने अंबिया आ मेख थी तो फरमाते ने अंबिया दी रूह दे नाल तू घुल मिल गया होया है कि क्या है ये कुरान पाक की है रूमी खराजे अकीदत पेश करने फरमाते ने कि कुरान पाक की है अंबिया अलैहिस्सलाम दे रूहों दे नाल तू मिल जावेगा अगर सच्चे कुरान दी पनाह दे विच आ गया है। एक एक मजमून दे उत्ते तुसी गौर करोगे अंबिया अलैहिस्सलाम दा जेड़ा अदब है बारगाह रबूबियत दे विच उन्हां आयते करीमा नूं पढ़िया करो तलावत कीता करो ते तुहानूं इश्को मुहब्बत दी सारी दास्तान समझ च आ जावेगी कि सैयदना ईसा अलैहि सलाम दा सैयदना इब्राहीम अलैहि सलाम दा अल्लाह दी जात पाक दी बारगाह दे विच ताबियानी मीना फैना सैयद इब्राहीम देखो अंबिया अलैहि सलाम दी जिहड़ी तशरीफ आवरी है उम्मतां दी तरफ उन्हां दे वास्ते अंबिया अलैहिस्सलाम दे उत्ते ईमान लियाना जरूरी है तां ही उह मोमिन बनदे ने। तौहीद तो बाद ईमान पे रिसालत की है बड़ा जरूरी है और फिर जिन्ना कुरान पाक दे मजमून नूं पढ़ोगे जिन्नियां कौमां दे उत्ते अजाब नाजल होया है उस दी सिर्फ इक्को वजह है कि उन्हां तकजीब रुसुल कीती अंबिया अलैहिस्सलाम नूं ना मन्निया उन्हां नूं झुठलाया। कुरान पाक नातक मैं कुरान पाक की आयत दो पेश करना लेकिन इत्तबा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे मुतलक आपने फरमाया कि या अल्लाह पाक जिन्ना मेरी इत्तबा कीती ओ तो साड मेरे विच ते जिन्ना मेरी इत्तबा नहीं कीती फरमाया फमन ताबियानी फइन्नहु मिन्नी के यानी जेड़े मेरे पीछे चले ने वो तो मेरा हो गया वो तक ही हो गया मेरा हो गया। सुनो इस गल नु गौर करो और फरमाया वा मन आसानी और जिन जिन्ना मेरी ना फरमानी कीती फिर उन्हां दा हुण की है फरमाया फाइना का गफूर रहीम उन्हां दा मुआमला तेरे सपुरदे बेशक तू गफूर रहीम है। ये मुहब्बत दियां नज़ाकतां ने ये उस मजमून दे नाल देखो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने अर्ज़ करते ने कि या अल्लाह पाक जिन्ना मेरी इत्तबा कीती वो तो मेरे नाल तो रला दिते जिन्ना मेरा इनकार कीता और उन्हां ना फरमानी कीती आखना सने ने फिर उन्हां दा हिसाब किताब लाए ये नहीं आख्या फरमाया फाइना का गफूर रहीम तू खालिक है तेरी मखलूक है फैसला तेरी जात दे। जिस वक्त मुहब्बत दे ए अंदाज होन ते प्यार और लुत्फ दा ए वतीरा ते तरीका होवे फिर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा कदमे मुबारक दा निशान ही मकामी इब्राहिम है ना सारा जहान खाने का बदा ताफ करदा है ते फिर मकामे इब्राहिम दे उत्ते आके नफल पढ़दा है ते अल्लाह दी जात पाक ने फरमाया वत्ताखिज़ु मिन मकामे इब्राहीमा मुसल्ला फरमाया है। कुरान पाक ने वत्ताखिज़ु मिन मकामे इब्राहीमा मुसल्ला फरमाया है कि मकामे इब्राहिम नू जाए नमाज बनावो वो किंदा नकश है सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे पैर मुबारक दे नकूश ने जिन्हां पत्थर दे मोम दे तरह ला दिता गया है
तो अल्लाह पाक ने की फरमाया कि इखलास की राह दे विच उड्डन वाला जिहड़ा कदम चलन वाला हुंदा उन्हूं मैं इस तरह महफूज फरमाना। रूमी फरमा देने कि इखलास की दुआ किया कर, इखलास नाल चढ़िया कर, तेरी भी हर शाय महफूज है, तेरी भी हर शाय। सूरह तौबा आंदा सूरह तौबा विच ही है, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे राह च अगर तुसा कोई अड टप्पी है तो मैं वह भी लिखी हुई है, कोई वादी तुसा तय की थी तो मैं वह भी लिखी हुई है कि मेरी पर तुसी आ कुछ किया, मेरी पर तुसी। ए अंबिया अलैहिम सलाम दी मैं मिसाल दे के पैदा दसदा, तो सैयदना इब्राहिम अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिन्हें मेरी नाफरमानी की है तो फरमाया फ़ैन्ना का गफूर और रहीम, बेशक तू बहुत बख्शन वाला बहुत रहम फरमान वाला है। तकजीब रुस कज़बा व हक्का का भी, तो इस गल नूं तुसी समझ गए। सैयदना ईसा अलैहि सलाम ने भी इसे तरह फरमाया, उन्हें भी अर्ज की कि या अल्लाह पाक तेरे बंदे ने उन्हें फैसला तू करना है, मैं फैसला नहीं करना। तो ये अदब व एहतराम है। फिर सैयदना याकूब अलैहि सलाम ते सैयदना यूसुफ सिद्दीक अलैहि सलाम का किस्सा कुरान पाक दे जिन्हों अल्लाह पाक ने आसनुल कसस फरमाया है, सारिया किस्सों के विचों सोहना किस्सा, सारिया किस्सों के विचों सोहना किस्सा। तो फिर उस दे विच सैयदना यूसुफ सिद्दीक अलैहि सलाम की ख्वाब मुबारक, बाप के सामने बयान करना कि 11 सितारे चन्न और सूरज मैनू सजदा पै करते ने, आपने उस ख्वाब तू बयान करके आखना कि अल्लाह पाक तैनू ताबीरे रोया का इलम देवेगा और वो इलम जेड़ा तेरे खानदान दे उत्ते साडे कीता वह तैनू भी नसीब होवेगा। लेकिन आपने फरमाया कि इस ख्वाब नू किसी के सामने बयान नहीं करना, अगर बयान कीतो ही ते तेरे नाल कोई फरेब हो जाएगा, तेरे नाल की होगा फरेब हो जाएगा। वो फिर एक लम्मी दास्तान है कि आप को सैयदना यूसुफ सिद्दीक नू ले गए, ले जा के खूह दे विच सट दिता, रात नू रोंदिया आए कि ये बग्याड़ उन्हां नू खा गया है। आपने फरमाया सबरुन जमील, मैंने सबरे जमील करना वा, सोना सबर करना वा, की करना? फरमाया करया तो सारा तुहाडे नफसा ने, पर मैं सबरे जमील करदा, मैं सबरे तरीका वेखो, जिंदगी दा सोच और फिक्र वेखो, और जिंदगी दे अपने रब्बे करीम दे अहकाम दे नाल जिहड़ा ताल्लुक है उसनू बयान करना वेखो किस तरह है। फिर सैयदना यूसुफ सिद्दीक अलैहि सलाम नू उसे खूह दे विच ही आप दे उत्ते असी तुहानू जाया नहीं होण देवांगे, जो कुछ इन्हां तुहाडे नाल कीता तुसी इन्हां नू बयान करोगे। जनाब की करोगे तुसी? इन्हां नू बयान करोगे। फिर आपनू महल दी जिंदगी आ गई है, फिर महल दी जिंदगी दे विच जो कुछ असायश आराम जो इम्तिहान उत्थे आया, आपने फरमाया रब्बे सिजनू अहबो अलिया मीमा यद ऊना नी इलाए, मेरे मालिक करीम जिस तरफ मैनू दावत दिती पी जांदी इहदे नालों कैदखाना बेहतर है, इस दे नालों कैदखाना बेहतर है। फिर जनाब जेल दे विच चले गए, जेल दे विच जाके पहला काम जिहड़ा कीता आपने फरमाया क्यों भी बेलियो एक खुदा बेहतर है कि बहुत सारे खुदा बेहतर ने, यह तालीम है उत्थे। फिर हजूर जिस वक्त तशरीफ ले आए तो फिर आपनू जिस वक्त बरात आप दी पेश की गई तख्त नशीन होए तो उइयो भरा सामने आए, तो आपने फरमाया जिस वक्त गला लैन गया आपने फरमाया कि तुसी जानते जे तुसा यूसुफ नाल की कीता सी, उस वेले उन्हें अर्ज की तुसी यूसुफ जे? आपने फरमाया हाँ जी कढ़िया जी आया। तो एक लफज अगले ने जिहड़े मैं तुहानू पढ़ के सुना ना आंदे ने ना, आपने फरमाया आप दी थी। जिस वक्त आप दे सामने पेश करते पीते गए ना, लैन गए ना गला लैन गए, तो आप दे सामने पेश किए गए सैयदना यूसुफ सिद्दीक अलैहि सलाम दे, तो काला हल अलिम तुम मा फाल तुम भी यूसुफा व आखी है। आपने पूछा तुहानू इलम है जो तुसा सलूक किया यूसुफ सिद्दीक अलैहि सलाम दे नाल उन्हां दे भाई दे नाल, इज अंतुम जाहिलून,
ये जिक्र फरमाया कि तुहानू पता है कि तुसा यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नाल उसके भाई दे नाल की सलूक किया और उन्होंने देखो इज्जत नफस उन्होंने दिल का उनका उत्ते बोझ नाल फरमाया इज अंतुम जाहिलून जदो तुसी नादान साजे आखना तो साजे ना जान बुझ के तुसा सारा कुछ किया तुहानू आया नहीं ख्याल मेरे को मुड़ आ वड़े जे की फरमाया कि जो कुछ भी तुसा सलूक साडे नाल कीता है इस वास्ते कीता सी कि तुसी जाहिल साजे तुहानू पता नहीं सी कि यूसुफ की है यूसुफ दा भाई की ऐसा करना की है इस अंतुम जाहिलून बंदा भी परेशान होकर आखता जी मैं गुनाह तक कीता वे मैनू इलम नहीं सी मैं जाहिल सा उन्होंने ही अखवाया खुद आप उन्होंने तरफों उन्होंने गल करन तो पहले आप उसका इजहार किया है कि जिस वक्त तुसी की साजे अच्छा जाहिल जिस वक्त आपने ये फरमाया कालू आइना का ला अंत यूसुफ हैरत च आ गए और आखन लगे कि सचमुच तुसी यूसुफ जे आप ही यूसुफ जे जिस वक्त फिर ये उन्हें पहचान लिया तो फरमाया ला काला ला तसरीब अलैकुम अल्यौमा जिस वक्त आप दे बारगाह दे विच हाजिर किए गए तो सैयद यूसुफ ने फरमाया आपने फरमाया नहीं को गरीफ तुहाडे उत्ते अज दिन ला तसरीबा अलैकुम अल्यौमा फरमाया कि कोई गरीफ नहीं तुहाडे उत्ते अज दे दिन और नाल ही फरमाया यगफिरुल्लाह लकुम अल्लाह दी जात पाक तुहाडे कसूरां नूं माफ़ फरमावे हुवा अरहमुर राहिमीन वो बहुत मेहरबान सब तो ज़्यादा मेहरबान है सब तो ज़्यादा मेहरबान है सुनया किन्ना मजमून है एक एक अदा दे उत्ते कुर्बान हो जाता है अंबिया अलैहिस्सलाम दा एवें तन तक कज़ब रसूल तो फरमाया कि आपने फरमाया कि अल्लाह दी जात पाक तुहानू बख्श देगा ला तसरीब अलैकुम अल्यौमा आज दिन तुहाडे ते कोई गिरफ्त जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अकदस च कुरैश मक्का पेश होए ना फतेह मक्का होया तो आप दे सामने जिस वक्त पेश किए गए तो मेरे हजूर ने फरमाया कि अज मेरे को तुसी की तवक्को रखते जे उन्होंने फरमाया कि आज तुहानू मेरे को की तवक्को है कि तुसी मुलजम की हसीयत मेरे सामने पेश होए हो जे और ये वो ही जगह है कि जिथों तुसा सानू जुल्मो सितम का निशाना बना के कर लिया तो फिर एक गल मामूली जी वैसे तो आंदे ने कि दुश्मन भी मर्द ही होवे ना तो उन्दे च गल भी चंगी निकल पैंदी है ना उन्हें अर्ज की हाल तक उन्हें आख्या कि तुसी शरीफ जे शरीफ जादे जे जो इज्जत आलिया को तवक्को की जा सकती तो मेरे हजूर ने इयो जुमला उन्होंने फरमाया कि मेरे भाई यूसुफ सदीक अलैहिस्सलाम ने जो अपने भाइयों को आख्या सी मैं भी तुहानू अज इयो लफज ही आखने ने ला तसरीब अलैकुम अल्यौम कि अज तुहाडे उत्ते किसी किस्म का कोई तुहानू तकलीफ नहीं दिती जाएगी ए देखो अल्लाह दी जात पाक ने इरशाद फरमाया कज़बत कबला मुकौम नूह व आदम व फिरौन व ज़ुल औताद झुठलाया सी इस तो पहले कौमे नूह ने आद ने व फिरौन ज़ुल औताद मेखा वाले फिरौन ने व समूदो और कौमे समूद ने व कौम लूतन और कौमे लूत ने व साहब लैका और ऐका दे साहब ने उलायक अल साहब के ओ ग्रोह ने जिन्हों का जिक्र पहले गुजर चुका होया है इन्हें की किया इन कुल्लुन इला कज़ब रसूल फाका एक आबी इन्हें सारे रसूलों का ही इनकार किया झुठलाया तो फरमाया फिर उन्होंने उत्ते मेरा अजाब नाजल हो गया तो अजाब दे नाजल होने की वजह है तकजीब रसूल है कि तकजीब रसूल जड़ी है तो ही रिसालत दे उत्ते ईमान ना लियाना ये अजाब का जरिया है एक ही है अजाब का जरिया है आरफे रूम फरमाते ने चूत उदर कुरान हक बगुरेखती अगर जिंदा कुरान दे विच तेनू मिलना नसीब हो गया तेनू जिंदा कुरान दे कोलों
होर भी मजमून इंदा है, पर मैं जिन्ना तुहाडे समझ च आ सकदी ओनी गल ही कीती है। तो फरमाया चूत दर कुराने हक बखरेखती बारवाने अंबिया अमेखती अंबिया अलैहिस्सलाम दे रूह दे नाल तू खुल मिल जावेगा। कुरान पाक की तरह तो मैं थोड़ा थोड़ा तुहानू बयान खरे किन्ना कुछ जिक्र है कुरान पाक दे विच। अल्लाह दी जात पाक दी रहमत कामला दा, अल्लाह दी जात पाक दे फजलो करम दा, अल्लाह दी जात पाक दे अंबिया अलैहिस्सलाम दे किस्से, सैयदना यूसुफ सदीक अलैहिस्सलाम दा किस्सा, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दा जिक्र है, सैयदना यूनुस सदीक अलैहिस्सलाम दा जिक्र है कि मच्छी दा पेट है आप उस दे विच। देखो जेड़ा गलत सोच और फिक्र आला बंदा है ना उन्हूं गल करन लग्या शर्म नहीं आती। शर्म एक अल्फाज वो ने जेड़ा अल्लाह दी जात पाक अपने अंबिया अलैहिस्सलाम नूं खुद मुखातब फरमांदा है, लेकिन उयो अल्फाज अगर उमती हजूर दी जात दे मुतलक जो आखे तो उनके वास्ते वो जायज़ होंगे। ईमान दा तो सत्यानाश उसे वेले हो जाना है। समझते पाए जे कि बाप एक बेटे नूं गल आखदा, मैं मिसाल नहीं देंदा मंज पैदा, उस बाप दे कोल अगर उहदे पुत्तर नूं कोई गल वो आखे होर उस वक्त उहदा मिजाज बदल जांदा, वो आंदा है तू क्यों आखी हो मेरा आख। समझ लगी असमत अंबिया अलैहिस्सलाम ईमान का हिस्सा है। जिस वक्त तो असमत अंबिया साडा असी उसके कायल हाँ फिर ऐसी गुफ्तगू करनी कि जिंदे विचों गुस्ताखी दे बो होवे को है मतलब उस गल करन दा, सवा अपने रूह ते दिल की बर्बादी तो अलावा कुछ होर हासिल हो सकता? कुछ नहीं हासिल हो सकता। तो फरमाया हस्त कुरान हाल हाय अंबिया माहिया ने बहर पाके किबरिया करते ने। अल्लाह पाक की बार कुरान पाक का जिक्र है, फरमाते ने कि कुरान पाक अंबिया अलैहिस्सलाम के हालात जिंदगी हो, अल्लाह पाक के नाल ताल्लुक, खुदा की जात पाक की जो जिम्मेवारी अता की गई है उसका इबलाग और उसके मुहब्बत के अंदाज, उस आजमायशा और उन्होंने आजमायशा के फिर उन्होंने सबरों तहमल बुरदबारी और अदाबे खुदाबंदी। फरमाते ने ये कौन ने माहिया ने बहरे पाके किबरिया, फरमा देने कि एक पाक मुहब्बत दा समुंदर है, अल्लाह दी जात पाक दा एक मुहब्बत दा समुंदर है और समुंदर दे च पानी है। पानी दे नाल ताल्लुक कि समझाण वास्ते पे करते, पानी दे नाल ताल्लुक किसदा है? मच्छी दा है। फरमा देने कि वो अल्लाह की जात पाक दे शाक ने जेड़ा हमेशा बहरे तौहीद दे विच रहिंदे है, हमेशा बहरे ते समझाने वास्ते रूमी फरमाते अगर मच्छी नू पानी तो जुदा किया जाए तो वह जिंदा रह सकती है? कभी कभी समुद्र चा के नहा लिया कर या उतों अलहदा हो ही नहीं तो उनकी जान निकल जानी, क्योंकि वो पानी तो उनकी हयात है। रूमी फरमाते ने कि बहरे मुहब्बत तौहीद का जरा समुंदर है उनके विच हजूर अंबिया अलैहिस्सलाम की ने उस दे विच जिंदा ने उस पानी दे विच हमेशा एक लहजा उसके कोलो जुदा नहीं हो सकते, एक लहजा भी जुदा नहीं हो सकते। क्यों? इस वास्ते कि मच्छी जड़ी है उसकी हयात पानी दे नाल है, उसकी हयात किस दे नाल है? पानी दे नाल है। अगर उसनों कोई नसीहत करे
भी कदी कदी मिलिया करते हो सकता है। अरे फिर वो फरमा देने कि इबादत भी एवे ही हूँ, इबादत भी वसले महबूब का नाँ है। अल्लाह हजूर ने फरमाया हदीस जो मल एसानो, एहसान की है, इखलास की है, तो फरमाया गया अंताबुदल्ला करना का तरह हो, तू एवें इबादत कर कि तू बेहिजाब अपने महबूब हकीकी नू वेखना में आए। फ़ाइलम तो कुन तराह फिन्ना हु यरा का, अगर ये तेन चीज़ हासिल नहीं हो सकी तो फिर इस यकीन दे नाल खलो कि महबूब तेन वेखता पिया। तो अदाबे खुदा बंदी की है, अदाबे खुदा ए सुनो, मैं अगर जिक्र दी पर तो अर्ज किया नमाज में भी अदाबे अदाबे सलात जानते जे ना, कि बंदा नमाज किवें खलोंदा है, बेजान होके खलोंदा है, आजिज मुनकासिरुल मिजाज होके खलोंदा है, अपनी नज़र नू हर शय दे कोलों हटा के तिक्के जगह ते मरकूज करके खलोंदा है, अपने दिल नू अल्लाह दी जात पाक दी बारगाह दे विच झुका के खलोंदा है। समझदे पाए जे कि ना इधर उधर इबादत है ना, बस जिक्र भी इबादत है, तो उन्हें ठट्ठा ते मजाक नहीं बनाना चाहिए। समझदे पाए जे कि मजाक जिक्र करो तो जड़े चार बंदे नाल होर बैठे ने वह भी परेशान, तुसी भी परेशान, वेखन वाले भी परेशान है ना। जिक्र करो तखलीए दे विच करो, तखलीए विच करो, जिथे बैठ के करना जे आराम दे नाल करो, और अदब एहतराम दे नाल करो, अपनी नज़र दे सामने अपने महबूब हकीकी दा तसव्वुर करके करो, तो एवें अदब दे नाल करो, की करो अदब दे नाल करो, अदब नाल के साडा रब सानू वेखदा पिया। जिसम दियां हरकतां जिसम दे इसते कोलो पाक हो के अदब भी ये है, अदब दा तकाजा भी है। तो जिक्रे जिक्रे खुदा जड़ा है इंसान नू अजी और इनकिसारी दा वाल रास्ता है। तो तुसी इस तरह दा तुसी बह के करो कि दूसरे भी परेशान, आप भी परेशान, बचना एवं अदब दे नाल करो कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच उसका पाक नाम पे लेने आ, और दिल नू हाजिर करके पे लेने, दिल नू की पे करने आ, हाजिर करके पे लेने आ। तो फरमाया माहियाने बहरे पाके किबरिया, आखिरी शेर ते फिर तो दो रुबाइयां सुनाना ताकि तबीयत ठीक हो जाए जी। वर बखानी नई कुरान पजीर, एक खुद ही सवाल मौलाना रोम उठा देने, खुद ही जवाब दें देने, फरमा देने कि अगर तू कुरान पाक पढ़ना तो है पर तेनू अमल दी तौफीक नसीब, अमल नहीं हो कर अमल, फरमा देने फिर तेरी हालत की होवेगी, फिर तेनू की मिलेगा। फरमा देने अंबिया व औलियारा दीदा घेर, इस कुराने पाक की तलावत नु मुड़ एवें ही समझ लै कि जिमें नबिया तो अल्लाह की जात पाक दे मकबूलों का दीदार प्या करना है, की प्या करना है, यानी किसी हालत विच भी कुराने पाक तो मुख नू ना मोड़, मुख नू। अक्सर इंसान अस बंदे आंदे ने कि असी भी उन्होंने विचों ही हाँ कि नमाज तो पढ़ने लेकिन लुत्फ नहीं आता, लुत्फ नहीं आता। तो अर्ज़ यही है कि अल्लाह की जात पाक तो उसके महबूब का हुक्म है कि मेरी बारगाह सजदा रेज होया करो, सजदा रेज होया करो। अगां वे बे लुत्फ जिमें जे सजदे नू कबूल कर लिया उस तो लुत्फ ही आन लग पाएगा। पहली पौड़ी चढ़े तो दूजी पौड़ी तो इस वास्ते ना चढ़े कि मैनू चस को नहीं आई,
तो फिर वो अपनी मंजिल में पहुँच जाएगा। नहीं, मंजिल दे टुरना छड़ना नहीं चाहिए, छड़ना चलिया रहना चाहिए, चलिया रहना चाहिए। समझ लगी कि ना? हाँ, चलिया रहना चाहिए। अता बख्शिश होगी, दिल की स्याही अल्लाह की जात पा खुद दूर फरमाता, अपने कर्म के नाल फरमाता। तो फरमाया कि अगर तू अमल नहीं कर सकता तो पढ़ना है, तो फिर इस हालत के नाल पढ़ कि मैं अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पै करना, अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पै करना। वर पजीर आई चुबर खानी के सस, ते अगर तू अमल पैरा भी हैं, अमल कुरान पाक नू पढ़ना है और उसके अहकाम दे उत्ते अमल भी तैनू नसीब होया है, तो फिर जिस वक्त बर खानी के सस मुर्गे जाना तंग आए, जनाब फरमाते ने कुरान पाक पढ़ना भी पिया है ते तू अमल पैरा भी होया है, फिर उसकी तलावत तैनू की देवेगी? फरमादन जिस वक्त अंबिया अलैहिस्सलाम दे तू किस्से पढ़ेगा ना, तो उन्हों का हाल जिक्र जरा उन लिखा तू उसू पढ़ेगा, उसनू जान ते रूह की अख दे नाल कन्ना दे समोवेगा। तो फरमादन तेरी जान का परिंदा इस वजूद वाले पिंजरे दे विचों तंग आ जाएगा। यानी यह जी कैद है ना जिसम की, जिन्हों असी आने के मौत नहीं आनी चाहिए, हयाती होनी चाहिए है। फरमाते ने फिर सफ़र होर शुरू हो जाएगा। वो सफ़र की शुरू होगा? फरमाते ने अगे तांदे सने भी मौत नहीं चाहिए, जे अखे उस कुरान पाक दे उत्ते अमल भी शुरू की, तो अंबिया अलैहिस्सलाम दे सारे किस्से भी पढ़े हुई, तो इस कशमकश दे कोलो आज़ाद हो जाएगा। तेरा दिल चाहेगा कि वजूद वाले परिंदे विच, वजूद वाले पिंजरे दे विच रूह का पखू उड़ना चाहिए। रूह का पखू अजिवें शहीद ने जिहड़ा जंदा जिहाद ते जांदे ने इखलास दे नाल, जिहड़ा शहादत जिन्हां नूं नसीब हुंदी है, जान तां इजराइल अलैहिस्सलाम ही उन्हां दे ले जांदे ने, लेकिन इजराइल अलैहिस्सलाम तो पहले वो हाथ ते पेश नहीं करदे वी जान देण आया ले लै मेरे कोल। ये कैफियत है ना की है, इनू अल्लाह पाक ने फरमाया मौत नहीं हयात है, ये मौत नहीं है की है, और ऐसी हयात है ना मुर्दा आखना जे ना मुर्दा गुमान करना जी, ना मुर्दा गुमान करना है। रूमी फरमाते ने वर पजीर आई, अगर तू अमल करना पै तो जिस वक्त तुम अंबिया अलैहिस्सलाम दा अदबो इहतराम बारगाह रब्बुल इज्जत दे नाल ताल्लुक नू तू पढ़ेगा, उन्हां दे किस्से कहानी नू तू सामने रखेगा, फरमाते ने तेरी जान दा परिंदा जिहड़ा है वह पिंजरे च तंग आ जाएगा। तू आखेगा उस मुल्क चलिए जिस मुल्क तो आए, जिस मुल्क तो उस तरफ जाना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए जिथों आए सा। फरमाते ने हाँ मुर्ग को अंदर कफस जिंदानी अस, जेडे परिंदे पिंजरे दे विच कैदी ने, मेरे जो रुस्त नजर दानी अस्त, जेड़ा पक्खू पिंजरे दे विच कैदी है, फरमाते ने अफसोस है उस परिंदे दे उत्ते जेड़ा कैद दे विचों निकलन नहीं चाहता। इस वास्ते ठूंगे मारते ने, की मारते ने पिंजरे दे जेड़े पक्खू बंद हुंदे ने ना, ते वो फिर ठूंगे मारते ने करके चोचा मारते ने, क्यों मारते ने भी ये पिंजरा उत्तों लेवे तो असी उड़ीए, असी उड़ीए, भावें उन्होंने उड़ना भुल ही जाता है, छड़िए भी तो उड़, क्यों? इस वास्ते कि कैद ने उन्होंने इस पास्यों ख्याल ही हटा दिता कि मैं फजा दे विच उड़न वाली शाय हाँ, समझते पाजे ना। तो रूमी फरमाने ने कि जिहड़ा परिंदे जिहड़ा परिंदा पिंजरे दे विच कैदी है, अफसोस है उन्दे उत्ते कि वह छुटकारा ना चाहे, छुटकारा ना चाहे, उन्दे ते अफसोस है। फरमाते ने कि पिंजरा तेरे वजूद वाला रूह इन्दे विच कैदी है, फरमाते ने आरजू इस कैद च छुट्टन दी ओ करदा जिन्हों हर शह बारो नज़र आती पई है। आरफ रूम ने इस ते बड़ा कुछ फरमाया, फरमाते ने अखे मौत ना भैड़ी है ते ना चंगी है, जे खोजिया तू ना तेरी मौत ओ हो जाइए, मौत एक शीशा है, जे तू हसीन है ते तेरी मौत हसीन है, ते जे तू कुछ है ते तेरी मौत कुछ ही है, जिमें कुछ आ बंदा शीशे च वेखे तो उन्हें सोने बन जाना है, नहीं। फरमा देने अखे मौत भी एक शीशा है, अगर तू हसीन है
तेरे सारे दी सारी जिंदगी अल्लाह दी जात पाक दी मुहब्बत दे विच ते हजूर दे फरमान दे उत्ते ते तौबा दे नाल गुजरी है, फरमा दे ने कि तू बड़ा सोहना, तेरी मौत भी सोहनी, और अगर तू कोजा है ते तेरी मौत की होवेगी, जेहो जी तेरी शक्ल है ओहो जी शीशे च नज़र आनी, ओहो जी तेरी शक्ल शीशे दे विच नज़र आनी। हज़रत फरमा दियाँ रुबाइयाँ सुनो ताकि तुहाडा साडा सफ़र जिहड़ा ज़रा बा लुत्फ हो जाए, जे अल्लाह नसीब करे तो। हाँ फरमाया नमाज आपा पढ़नी है हुण, चंगा नमाज पढ़नी है जरूर, जिन्हें बहुत ही भूख लगे ठीक है, तो नमाज नहीं छड़नी, समझते पै जे कि हाँ ना गल तो बड़ी और जी गल सही है। वो वासफ अली वासफ एक बड़े दरवेश सिफत आदमी होया तो वह लिखते ने कि अफसोस इस गल दे उत्ते वे कि काफिर अपने कुफर दे उत्ते फखर करता है ते मोमन आपदा ईमान लुकाई फिरदा वे मैनू कोई मोमन ना आके एहसास काम तरी एहसास बेकदरियां दी नेमत दा मतलब नेमत ईमान वाली मौजूद है लेकिन कदर कोई नहीं है कि चूड़ा अपने कुफ काफिर अपने काफिर मेरे लफज निकल गया काफिर अपने कुफर दे उत्ते की करता है फखर करता है कि मैं ईसाई हाँ मैं यहूदी हाँ मैं जो भी, और मोमिन आपका ईमान लुकाई फिरदा है भी मैनू कोई मोमिन ना आखे मुसलमान ना आखे, कोशिश करता है कि मैं उन्होंने मुआशरे तो उन्होंने रंग च रंगया जावा ताकि ये ना मालूम होवे की है मोमिन। तो हुण हजामत किड्डी कुछ आया है तो असी आपकी जिंदगी तो अपनी शक्ल नूं भी हजूर की सुनत के मुताबिक नहीं बना, और जदीद जेडे सकालर हैं उन्हां दा जोर भी इस गल दे उत्ते ही आया कि आपका शार छड्ड दिओ ते जो उन्हें आख्या वह की जाओ तुसी, भी कोई ये ना आखे भी ये तो इस चीज़ के पाबंद है नहीं तबाह रसूल समझ आई जी मेरी गल दी कि नहीं। सवेरे सवेरे नाई के सामने हाजिर होंगे ने तो जिन्हें नहीं उन्हें घर ही सेफ्टियां रखिया होनी सवेरे सवेरे भी उठ के पहला काम ये करना दूजा फिर करा के, हालांकि की है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं, अगर ये मुहब्बत के नाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्लो सूरत नूं हजूर के फरमान के मुताबिक अपनी शक्लो सूरत नूं बनाओगे तो फिर की साबित होगा टुरद्या फिरदा कहिंदा तालक हजूर की जात के नाल है मोमिन ने नहीं ईमान के नाल है। सुनया फरमाया सुनो सरिश्ता इख्तियार बा यारे गुजार, फरमाते ने कि जेड़ा अल्लाह की जात पाक ने तेनू इख्तियार दिता है ना इस इख्तियार दा मम्मा दोस्त उत्ते छड़ दे कि मैं खुद मुख्तार हाँ। फरमाते ने आपदे इख्तियार नू इख्तियार देन वाले दे सुपुरद कर खुद राज़े गमो मेहनत बेहूदा बर आर, अपने आप नू फजूल गम ते तकलीफ दे विचो बाहर कढ लै, हर लहजा अपनी नज़र अपने महबूबे हकीकी दे उत्ते रख जिन्हें तेनू ये इख्तियार अता किया है, और उस इख्तियार दे विच तौफीक दा सवाल कर कि इस इख्तियार दे उत्ते तेरा इख्तियार की आवे गालिब। ई उम्रे गिरामी के तमामी हफजस्त, ये कीमती उम्र जिहड़ी सारी दी सारी हिरस दे विच गुजर चुकी है, हिरस और लालच दे विच गुजर चुकी है, बा यार बसर बबुर बा गफलत मसपार, ये दोस्त दे नाल बसर कर ते गफलत दे कोलो गफलत दे नाल ना गुजार, गफलत दे नाल मैं अगे भी साहिब फरमान दे को बंदा जिक्र फिक्र पे करे ना तो कल्ला बैठा आपदे ख्याल च बैठा सी वो दूसरे बंदे आके आख्या कि भाई यार कल्ला तू बैठा होया है तो कदों इन्ना चिर हो गया बैठा, उन्हें आख्या कल्ला तो नहीं सब तू आके कीता चा कल्ला ता नहीं सा बैठा लेकिन तू आके कल्या च कीता, मतलब होंदा सी भी मैं तो अपने महबूब के नाल हम कलाम होया बैठा सी बारगाह दे। तो फरमाते ने बा यार बसर बबुर अपने महबूब के नाल जिंदगी गुजार, बाबा गफलत मसपार गफलत के नाल बसर ना कर।
अगली रुबाई, दिल रा बख्याले यार खुशनूद बदार, फरमाने ने कि दिल नू दोसत दे ख्याल दे नाल खुश रख, दिल नू दोसत दे ख्याल दे नाल खुश रख, सरिश्ता ही दौलत सरमद बकफार, इस अबदी दौलत दा मोंबा अपने हाथ दे विच ले ले। फरमाने ने कि इस दौलत दा जिहड़ा मोंबा है उस सरमद अपने हाथ दे विच ले ले, गन जस्त के रंजश नब वद आखरे कार। एक इस तरह का खजाना है कि जिंदे च कदी तैनू तकलीफ ना उठानी पवेगी। सौदास के सौदश बद अफजूं दे शुमार, एक इस तरह का सौदा है, इस तरह का तो इस तरह की खरीदारी है, इस तरह का सौदा है कि इसका नफा शुमार तो बाहर है, गिनया नहीं जा सकता, गिनया नहीं। जाहिद ब नसीहतम तू बिसियार मकोश, आखते ने कि ऐ जाहिद तू मैनू ज़्यादा नसीहतां दी कोशिश ना कर, अज आतशे इश्कोस दी देग बजोश, मेरे दिल दी देग महबूब दी मुहब्बत दी अग दे नाल जोश चाई खड़ी है, अग उबलदी पई है, इश्क दी अग है लो उबाले पई देंदी है। होशियार शौ व बबी के हम खाना है दिल, होशियार बन ते दिल दे मैं खाने दे विच वेख, अज बाता है शौक के कीस दर जोशो खरोश, के किस दी शौक दी शराब तेनू जोशे खरोश ते नाल भरिया होया है। फरमांदे ने कि ये वेख किंदा जोश है जिन्हें तेरे दिल नू की करता देग तरह उबाल किता ते जिंदे नाल तेरा दिल भरिया होया है। एक दफ़ा अलहमद शरीफ पढ़ के, तीन दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के, अपने अजीजों अकारिब दे